Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IES, which has given more than 2,200 selections since 1999. This is a seven-minute current affairs series called To the Point. Zid se, Jeet tak. Hello, everyone. बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन ये बहुत ही एक टेंजिबल टॉपिक है हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट राइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में हाई कोर्ट ने आ, किसी को समन भेजा था किसी इंस्टाग्राम अकाउंट को जिन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स को कॉपी करके अपने वहाँ पे अपने अकाउंट में यूज़ किया हुआ था और समन्स आए हैं इसके लिए राइट हमारे लिए किस लिए इम्पॉर्टेंट है इज बिकॉज कि हमें समझना पड़ेगा कि वॉट इज़ कॉपी नंबर वन दूसरी बात कॉपी राइट क्या होती है इट्स जस्ट दैट की आपके पास में जो आपकी uh, संपत्ति है राइट right? जो आपकी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ वो नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये माउस पड़ा है तो ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी है बट अदर देन दैट अगर मान लो मैंने कोई शायरी लिखी है या मैंने कोई गाना लिख दिया है या मैंने कोई पेंटिंग बनाई है ये भी तो मेरी प्रॉपर्टी होगी ना अब मान लो मैंने कोई लाइन लिखी है जो कि बहुत फेमस होने वाली है या फॉर एग्जाम्पल फेमस ना भी हो लेकिन वो मेरी लाइन है उसको कोई दूसरा बंदा आके मेरी बनाई हुई लाइन को अगर वो यूज करेगा तो इसमें मेरा नुकसान है और उसके बाद में मेरे को इंसेंटिव भी नहीं होगा कि मैं क्रिएटिवली सोचू या अपने वर्क को बाहर लेके जाऊँ क्योंकि अल्टीमेटली अगर कॉपी होना ही है तो ये कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर ये टॉपिक है और बहुत ही आपको एक टेंजिबल सा ये आपको एक टॉपिक लगने वाला है और मैं थोड़ा सा आपको अगर इसके बारे में और बताऊँ कि हम सब ने कहीं ना कहीं एडिबास के जूते जरूर देखे होंगे राइट या फिर नाइकी जो ब्रांड होता है उसके अंदर एन आई ई के लिखा होता है या एन आई के डबल ई लिखा होता है या वो टिक मार्क आप ऐसे ही देख लोगे हर जगह पे तो ये सारी चीजें आपकी कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आती है राइट हम चलते हैं टॉपिक के अंदर देखते हैं कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको उसका बता दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली समन जो है वो इशू किया था एक इंस्टाग्राम अकाउंट को ओवर कॉपीराइट राइट राइट ड्यू टू सब्सटैंशियलिट इमिटेशन ऑफ द इमेजेस राइट कि आपने इमिटेशन का मतलब कॉपी करना नकल करना तो आपने नकल करी है तो इसके लिए वहां पे कोर्ट ने जो है उनको समन भेजा है इन्फ्रिंचमेंट समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉपीराइट क्या चीज है रेफर टू द राइट हक गिवन बाय लॉ टू द क्रिएटर्स किसको मिलता है क्रिएटर को मिलेगा ऑफ लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क्स अब देखिए आर्टिस्टिक वर्क कह दिया तो आर्टिस्टिक वर्क में हालांकि सब कुछ सब्स्यूम हो जाता है लेकिन ये इसको और तरीके से भी जो तो है आ, आपको आ,

एंड ट्रांसलेशन ऑफ अ वर्क सब कुछ जो है आपको जो राइट मिल जाएगा वो लॉ के थ्रू मिल जाएगा आप क्रिएटर को राइट right? तो ये होता है बच्चे कॉपी बहुत आसान भाषा में मैंने लिखने का ट्राई किया आपके लिए यहाँ पे दिस इज कॉल्ड कॉपी अब कॉपी राइट क्या है सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिजिनल वर्क इज यूज विदउट ऑथराइजेशन ऑफ दरिजिनल क्रिएटर अगर आपने उसमें से कोई सब्सटेंशियल अब सब्सटेंशियल पार्ट भी एमबीबीएस है कोई आपने पार्ट उठा के फॉर एग्जांपल कोई हिट गाना है आपने बस मेन लाइन उठा ली और बाकी गाना अपना बना दिया पर मेन लाइन तो हिट थी ना तो इसको हम बोलेंगे कि उसका कॉपीराइट जो है वो इन्फ्रिंज हो गया है राइट कॉपी एक्ट नाइनटीन वो इस राइट को प्रोवाइड करता है ये भी बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसके अलावा अगर आप इन्फ्रिंज करते हो और आप गिल्टी पाए जाते हो तो आपको जो पनिशमेंट है इट इज फ्रॉम सिक्स मंथ अप्री इस मिनिमम फाइन ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड अप टू लैक्स है ना सब्सटेंशियल है ये राइट इससे बड़े बड़े क्राइम्स के अंदर जो है वो इससे थोड़ी सी जो आपका फाइन है वो इससे कम होता है राइट अगर इन्फ्रिंज हो गया तो कॉपीराइट ओनर जो है वो लीगल एक्शन ले सकता है जिसके बाद में जो रेमेडी है दैट इज इंजंक्शन डैमेजेस यानी कि पैसा पैसा दो इनको है ना और जो किसी अकाउंट पे चल रहा है वो अकाउंट ही इनको जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए तो ये सारी रेमेडीज इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड इंजंक्शन का मतलब होता है कि आप उसको रोक दोगे वहीं रोक लगा दोगे रोक लगाने को इंजेंशन इंजंक्शन जो है वो कहा जाता है राइट right, बच्चे? दो टाइप के आपके जो कॉपी राइट फॉर राइटिंग जैसे जो राइटर्स होते हैं खासकर तो सिमिलर टाइम में सिमिलर लाइन आ जाती है और दो राइटर्स के एकदम मैच हो जाती है और कोई बहुत बड़ा राइटर है तो शायद आपने कोई बचपन में सुनी होगी तो अपने जानपुछ के नहीं किया लेकिन हो गया तो इसको बोलते हैं प्राइमरी इन्फ्रिंचमेंट की डायरेक्टली कॉपी हो गया सेकेंडरी इस दैट व्हेन अनऑथराइज्ड डीलिंग्स टेक्स प्लेस सच्चे सेलिंग और इंपोर्टिंग पायरेटेड बुक्स सीडीज एंड एट सेक्टर तो ये आपकी जो होती है ये आपकी सेकेंडरी इनफ्रेंजमेंट में आती है इसके अलावा एक और टर्म होती है पासिंग ऑफ जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था ऐसे राइट right? जहाँ पे डी

for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IA's Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of Current Affairs. Number three, weekly tests on Current Affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se, jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of Current Affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.